वेलकम टू माय चैनल कुकिंग मैडनेस। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ज्यादा मजे में भी होंगे। फॉर मोर डिलीशियस एंड ट्रेडिशनल रेसिपीज प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन। वेलकम व्यूअर्स, सबसे पहले तो आपको बकरीद की बहुत ज्यादा मुबारकबाद। उसके बाद आज हम बना रहे हैं बीफ स्टिक, जो कि आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और बहुत ही लजीज और जूसी है। वैसे भी बकरीद चल रही है, बकरीद अभी होके गुजरी है, तो मैंने ये सोचा कि बीफ की बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ जो है रिक्वायर्ड भी होंगी। अब हम चलते हैं अपने प्रोसेस की तरफ। इसके लिए मैंने सबसे पहले अंडरकट का गोश्त लिया है और ये तकरीबन जो है 750 ग्राम का पीस है और आप ये देख लें, ये कुछ इस शेप का होता है। और अब हम जो है इसको कट कर लेंगे। अब जो है हम इसके बारीक बारीक से स्लाइसेस काट लेंगे और स्लाइसेस जो हैं वो जितना ज़्यादा पॉसिबल हो हम एक तो थिन काटेंगे और ऊपर से थोड़े स्लांट शेप में काटेंगे, ताकि ये जो है आराम से गल भी जाए और ये इसके टूटे भी ना। तकरीबन जो है वो तमाम जो गोश्त था मैंने उसके स्लाइसेस कर दिए हैं, उसको सबको मैंने स्लांट शेप में काट दिया है। और अब नेक्स्ट स्टेप में हम हैमर की मदद से जितने भी जो स्लाइसेस थे हमारे, उनको मैं अच्छी तरीके से कूट लूँगी। वन बाय वन मैं एक एक स्लाइस रखती जाऊँगी और आप ये देख रहे हैं कि मैं स्लाइस रख रही हूँ और फिर मैं उसको हैमर की मदद से, मीट हैमर, और हम इसको कूट लेंगे। और इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से दोनों साइड से कूटना है। अब हम चलते हैं फर्दर नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसमें मैंने एक बाउल में सबसे पहले जो है वो मैंने लेना है विनेगर। विनेगर मैंने लिया है 3 टेबल स्पून और ये 3 टेबल स्पून शामिल करने के बाद मैं इसमें डालूँगी। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर। इसके अलावा मैंने इसमें शामिल किया है मस्टर्ड पाउडर 3 टेबल स्पून और मैंने मस्टर्ड पाउडर लिया। अगर आप मस्टर्ड पेस्ट लेंगे तो उसका 1.5 टेबल स्पून चलेगा। 1 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर पाउडर लिया है और सॉल्ट लिया है एज पर टेस्ट। इसके अलावा मैंने पैप्रिका पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून और मैं इसमें शामिल करूँगी लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून और इसके अलावा इसमें शामिल करूंगी अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे इमली का पल्प, जो कि मैंने बहुत ज्यादा गाढ़ा बना के रखा हुआ था। 3 टेबल स्पून मैंने इसमें इमली का पल्प शामिल किया है। इसके अलावा मैंने इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस और 2 टेबल स्पून टोबैस्को सॉस। और अब हम इस पेस्ट को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से मिक्स इसलिए करना है, अच्छा अब इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हमने इसलिए भी करना है क्योंकि इसमें मैंने डाला है मस्टर्ड पाउडर और मस्टर्ड पाउडर के अंदर कुछ पिक्सल्स ना हो, उसकी कुछ गुठलियाँ ना बनी हुई हों, तो मैं इसलिए इसे वेल मिक्स कर रही हूँ। ये बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे जो मीट के स्लाइसेस हमने बनाए हुए थे वो एक एक करके, और उसको बहुत अच्छे तरीके से सॉस के अंदर डिप कर लेंगे, यानी कि वो फुली कवर्ड हो जाए सॉस से। और पूरा तमाम जो हमारा मीट है वो हम इस तरह करके पूरा प्रोसीजर ही कर लेंगे। तमाम मीट में जो है ये हम बहुत अच्छे तरीके से लगा देंगे सॉस। मीट बिल्कुल रेडी हो चुका है हमारा। अब मैं इसको 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। सबसे पहले मैं इसको कवर करूँगी शीट से, देन मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी इसको मैरिनेट होने के लिए। और मैंने शीट लगा दी है, इसको 3 घंटे हो चुके हैं और ये बहुत अच्छे तरीके से मैरिनेट हो चुका है। इसमें जो मसाला था वो अच्छी तरह लग गया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने बटर लिया है फ्राइंग पैन में और मैं अब 1 बाय 1 करके मीट जो है इसमें पका लूँगी। अच्छा, मैंने इसकी फ्लेम जो है बिल्कुल
लो टू मीडियम रखिए, फ्लेम बिल्कुल भी तेज़ नहीं हो कि आपको इतना स्पार्कलिंग करता हुआ इसलिए नज़र आ रहा है कि मैंने ये फास्ट फॉरवर्ड पे वीडियो लगाई हुई है, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेता है। तो ये बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर होगा ताकि बहुत अच्छी तरीके से ये गल जाए, अंदर से कच्चा पन ना रहे। तो हमने आराम सुकून से इसको बनाना है। ये एक साइड से हो चुका है, मैं इसका साइड चेंज कर रही हूँ और बस ये तकरीबन होने वाला है। अब ये बिल्कुल हो चुका है और अब ये देखिए मैं इसे निकाल रही हूँ फ्राइंग पैन से। अब मैंने जो है ज़्यादा पीसेस डाल दिए क्योंकि फ्राइंग पैन में जगह थी, तो अब मैं ये तमाम जो मीट है इसी तरीके से रेडी कर लूँगी। मीट बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब एक अलग पैन में मैंने 1 टेबल स्पून बटर लिया है और उसके अंदर मैंने 1 मीडियम साइज़ की अनियन और 2 हरी मिर्चें और 1 कैप्सिकम के पीसेस कर और मैंने इसे फ्राई करने रखा है। इसको जस्ट मुझे सौते करना है, फ्राई नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा इसमें टेस्ट आ जाए बटर का। और ये बिल्कुल रेडी हो चुका है जो मेरी वेजिटेबल्स हैं सर्विंग के लिए। अच्छा, मैंने फ्रेंच फ्राइज़ और बनाए हैं, वो मैंने बनाते हुए नहीं दिखाए, लेकिन ये कि आपको इसके साथ फ्रेंच फ्राइज़ भी बनाने हैं। अब हम इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने सलाद के पत्ते ले लिए हैं, उसके ऊपर मैं ये जो स्टैक है ये रख रही हूँ। देन मैं इसको सर्व करूँगी चिप्स एंड फ्राइड सौते वेजिटेबल्स के साथ। मुझे बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है और फ्राइज़ के साथ गॉड, तो बहुत इंशाल्लाह यह भी होने वाला है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करेंगे और न सिर्फ ट्राई करेंगे, आपको पसंद भी बहुत आएगा। बीफ स्टेक बिल्कुल रेडी है और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बहुत सारी दुआओं के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।